नजर आ रहा है कि वो पेंटिंग एक्चुअली कैसे हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा ट्रे धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रहा है और प्रिंटर उसको प्रिंट कर रहा है और बहुत ही एकदम साइलेंटली स्मूथली उसको प्रिंट कर रहा है। तो जो बता आप देख सकते हैं कि जैसे फ्रंट प्रिंट हो गया वैसे बिल्कुल एक बहुत बढ़िया तरीके से बैक भी प्रिंट हो गया है। जैसे इसका फ्रंट देख रहा है वैसे इसका बैक भी आप देख पा रहे हैं। सेम वे दूसरा जो कार्ड हमारा प्रिंट हुआ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नरवीर सिंह जडेजा। आपका खूब खूब स्वागत है हमारे चैनल CBZ प्रिंटर टेक सॉल्यूशन में। दोस्तों काफ़ी टाइम से बहुत सारे दोस्तों के कॉल आ रहे थे L8050 को लेकर, जिसका हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। आप हमारे वीडियोस देखते हैं और आपको कोई कन्फ्यूजन आप कॉल कर करते हैं हमें। अभी रिसेंटली ये प्रिंटर का मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आया है और बहुत से कस्टमर की इंक्वायरी है कि इसमें हम लोग एक साथ दो PVC कार्ड PDF से कैसे प्रिंट कर सकें। तो इसका बहुत ही एक बढ़िया सॉल्यूशन हम लोग लेकर आए हैं। वो उसका एक बढ़िया सॉफ्टवेयर है जिसका बहुत ही बढ़िया काम चला है, मैं उस पर डिटेलिंग आपको समझाता हूँ। उसमें आप आसानी से कैसे एक साथ दो कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने ये दो कार्ड इसमें प्रिंट करके रखे हैं। जैसे हमारा फ्रंट का कार्ड है, ये इसका ये फ्रंट है और वैसे ही इसका है बैक है, और वैसे ही दूसरा जो हमारा कार्ड है वो ऐसा प्रिंट किया है और दोनों कार्ड एक साथ ही प्रिंट होते हैं। और वो कैसे करना है मैं आज उसको बता रहा हूँ, उसका प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। उसके लिए पहले सबसे पहला काम ये करना है कि सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, इसमें से PDF को सिलेक्ट करना है। अब जो PDF से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ने एक PDF सेलेक्ट किया है। PDF आप देख रहे हैं कि PDF का जो फर्स्ट और बैक दो चीज़ आप देख पा रहे हैं। PDF को सिलेक्ट हमने कर लिया है। अब उसको सिलेक्ट करने के बाद हमें एक साथ प्रिंट करना है। अगले जो वीडियोस में आप देख रहे थे उसमें हम लोग अलग अलग कार को प्रिंट कर रहे थे, लेकिन A050 प्रोडक्ट है उसमें एक साथ दो कार प्रिंट करने हैं। उसमें सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो हमें दो बॉक्स दिख रहे हैं उसके लिए अब एक्स्ट्रैक्ट सेट L1 उसको क्लिक करते ही हमारा कार्ड है वो सीधा ऊपर आ जाएगा। सेम वे सेट L2 उसको क्लिक करते ही यही कार्ड हमारा नीचे आ जाएगा। फ्रंट हमें मिल गया है, बैक हमें मिल गया है। ये हुआ एक कार्ड के लिए। अब हम दूसरे कार्ड का प्रोसेस कर रहे हैं। दोस्तों हमने देखा कि पहला कार्ड हमने सेट कर लिया है, अभी दूसरा कार्ड कैसे सेट करना है वो समझा रहा हूँ। जैसे हमने PDF को ओपन किया, एक्स्ट्रैक्ट फ्रंट और एक्स्ट्रैक्ट बैक का कमांड दिया, अब वही कार्ड हमें इस बॉक्स में लेना है क्योंकि पहला कार्ड हमने एक बॉक्स में ले लिया है। सेम वे इसमें सेट R1 वो क्लिक करने से फ्रंट में दूसरा बॉक्स एक्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेम वे सेट R2 उसको क्लिक करने से नीचे की तरफ बैक साइड आ जाएगा। अब हमारे पास फ्रंट और बैक दोनों रेडी है। अभी हम उसको प्रिंट करने जा रहे हैं अपने प्रिंटर L8050 में। एक साथ दो कार्ड कैसे प्रिंट करते हैं उसके लिए हमने कार्ड को एक्स्ट्रैक्ट खोल कर रख दिया है। अभी उसको हम प्रिंट का कमांड दे रहे हैं। प्रिंट में कमांड देने में हमारे पास दो ऑप्शन है, L8050 फ्रंट और ऑप्शन L8050 बैक। आप दूसरे जो भी ऑप्शन देख रहे हैं वो अलग अलग प्रिंटर के हिसाब से है, जो भी प्रिंटर आप यूज़ कर सकते हैं उसके हिसाब से आपको कमांड देना है। फिलहाल हम जिस प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं उसका कमांड देने जा रहे हैं। हमने उस पर क्लिक किया है L8050 फ्रंट। अब उसमें हमें प्रिंटर सेलेक्ट करना है अपना L8050 की प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। प्रॉपर्टी में जाके हमें उसको सिलेक्ट करना है कि हमें कहाँ से हमें PVC कार्ड प्रिंट करना है, इसलिए हमें यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है ID कार्ड ट्रे। अब नीचे हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें पेपर टाइप में हमें PVC ID कार्ड बॉर्डर लेस सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद हम लोग उसको प्रिंट का कमांड देने जा रहे हैं। अब हमने उसको यहाँ से प्रिंट का कमांड दे दिया है, अब हमें वेट करना है। जैसे हमने एक प्रिंट का कमांड दे दिया, यहाँ से एक मेनू अपीयर हो गया। पुराने सिस्टम क्या थी कि पहले ट्रे को लगाने के बाद कमांड देते थे पुराने वाले मशीन पर, नए वाले मशीन में ये कि हमने उसको कमांड दे दिया है, अब वो मशीन अपने हिसाब से प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद वो हमें बताएगा हमें कब ट्रे कब डालनी है। अब ये शो कर रहा है रेडी टू प्रिंट अप PVC ID कार्ड। तो ये जो हम लोग कार्ड ले रहे हैं ये हमने कार्ड इस पर लगाने हैं। अब दोस्तों मैं एक ब्लैंक वाले कार्ड लगा रहा हूँ। हाँ, एक और चीज़, जो ब्लैक का हम इसमें ब्लैंक कार्ड लगा रहे हैं वो स्पेशली इसके लिए डिज़ाइन किए हुए कार्ड है। उसका रिजल्ट आपने देखा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है जो भी हम प्रिंट करने जा रहे हैं।
ये कार्ड वगैरह भी आपको चाहिए तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगा। अब कार को रखते वक्त ये ध्यान रखना है कि जैसे दोनों कार को लगा के एक बार हमें चेक कर लेना कि ठीक से ये कार बैठ गए कि नहीं। अब दोनों कार लीजिएगा ठीक से बैठ गए। अभी हम लोग कार्ड प्रिंट कर रहे हैं इसलिए हमें इस ट्रे को, इस एरो को यहाँ से एंटर करना है, और एरो को एंटर करने के लिए ये जो हमारा ट्रे है उसके ऊपर का जो गैप है उस गैप में इसको हमें लगाना है। अब गैप में लगाने एक बहुत ही आसान है, जैसे आपने इसको रख दिया ऑटोमेटिक अंदर आप धक्का उसको धीरे धीरे देकर डाल सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि बहुत धीरे से उसको धक्का देना है, एकदम जोर से धक्का नहीं देना है। हाँ, हमारा कार्ड अभी हमने आधा इंसर्ट कर दिया है। अब जब उसको पूरा प्रिंट करना है तो इसके लिए हमें एरो लाइन को फॉलो करना है, और एरो लाइन को फॉलो करने के लिए हम लोग फर्स्ट एरो तक पहुँच गए। ये एरो में इंडिकेट करना है कि यहाँ से हमें उसको स्टॉप कर देना है, आगे उसको पुश नहीं करना है। सेम वे आधा जो ट्रे बाहर है उसमें हमें DVD का ऑप्शन मिल रहा है, ये हमें यूज़ नहीं करना। हम जो कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ के एरो को स्टॉप कर देना है। रिसेंटली अभी जो ट्रे का पोजीशन है उस पर कार्ड हमारे अंदर की तरफ है, वो ट्रे आधा अंदर जा चुका है और यहाँ एरो पोजीशन बता रही है कि इसको हमें यहाँ से स्टॉप करना है। अब उसको यहाँ से प्रिंट करने के लिए हमें कमांड देना है, जैसे ही हम इस बटन को प्रिंट करते हैं वैसे अपना कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि प्रिंटर दोनों कार्ड को एक साथ प्रिंट कर रहा है। अच्छा, अभी ये उसका प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुका है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि वो प्रिंटिंग एक्चुअली कैसे हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा ट्रे धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रहा है और प्रिंटर उसको प्रिंट कर रहा है, और बहुत ही एकदम साइलेंटली स्मूथली उसको प्रिंट कर रहा है। और दोनों का एक साथ प्रिंट होने से आपका टाइम भी बच जाता है और आपका ये काम फास्ट सॉफ्टवेयर की हेल्प से काम भी फटाफट हो जाता है। अभी आपने देखा कि हमारा फ्रंट दोनों कार्ड का प्रिंट होकर बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है, जिसमें उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। हालांकि हमने जो डमी कार्ड यूज़ की है इसकी वजह से आपको थोड़ा रिजल्ट आगे पीछे लग सकता है, जब ओरिजिनल कार्ड आएगा तो रिजल्ट इससे भी बढ़िया आएगा। अब जब कार्ड को मूव करना है सबसे खास एक ध्यान रखना है कि नीचे जो गैप है उससे कार्ड को थोड़ा उठा रहे हो और उसको एग्जैक्टली ऐसे रोटेट करना है। सेम वे दूसरा कार्ड है उसको भी गैप है उसे थोड़ा उठाना है और सेम वे ऐसे ही रोटेट करना है। इससे क्या होगा कि कार्ड का जो साइज़ है आगे पीछे दोनों सही रहेगा। अगर उसको गलत रोटेट करेंगे तो गलत दिशा में रोटेट करने से क्या होगा कि एक साइड सीधा आएगा एक साइड उल्टा आएगा। अभी सेम वे जो प्रोसेस किया था वही हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन पहले हम यहाँ से उसको कमांड चेंज कर दिए। जो पहला कमांड हमने दिया था वो फ्रंट का दिया था, सेम वे अभी हम लोग प्रिंट का कमांड दे रहे हैं। उसमें हमें सेलेक्ट करना है L8050 बैक। जैसे इसको मैं क्लिक किया वही मेनू हमारे सामने अपीयर है। यहाँ से पहले मैं सिलेक्ट कर चुके हैं हम ID कार्ड, वैसे हमने PVC कार्ड बॉर्डरलेस भी सिलेक्ट कर लिया है। अब से हमें उसको कमांड देना है, क्योंकि हमने बैक से कमांड दिया है तो अभी जो हमारा एग्जीक्यूटिव का उसमें जो पहले आप जो बॉक्स देख रहे हैं वो हमने फ्रंट पे प्रिंट किए हैं, दिस वन पहला बॉक्स पूरा। अभी जो प्रिंट होने जा रहे हैं नीचे वाला बॉक्स प्रिंट होना है, जिसमें हमारे दोनों कार्ड एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। पहले के जैसे ही प्रिंटर अपना रेडी है, हम लोग कार्ड को ट्रे को इंसर्ट कर रहे हैं। दोबारा ट्रे को इंसर्ट करने में खास ध्यान रखें कि भाई हमें उसको धीरे धीरे ही पुश करना है। अब कार्ड हमारा ट्रे लग चुका है, अब उसको हम कमांड दे रहे हैं प्रिंट बैक। अब आप उसको प्रोसेस देख सकते हैं कि वो ट्रे को ले कैसे रहा है, वो पूरा ट्रे को इजीली स्मूथली हैंडल कर रहा है।
दोस्त आप देख सकते हैं कि जैसे फ्रंट प्रिंट हो गया वैसे ही बिल्कुल एक बहुत बढ़िया तरीके से बैक भी प्रिंट हो गया है। जैसे इसका फ्रंट देख रहा है वैसे इसका बैक भी आप देख पा रहे हैं। सेम वे दूसरा जो कार्ड हमारा प्रिंट हुआ है उसका भी फ्रंट और बैक एकदम प्रॉपर तरीके से हो गया है। जैसे इसका फ्रंट है वैसे आप देख सकते हो उसका बैक भी एकदम बढ़िया तरीके से हो गया है। और इससे ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेलिंग वगैरह सब हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू।